पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित किए जा रहे हिंदुओं के लिए मोदी सरकार मसीहा बनकर आई है। इन्हीं हिंदुओं को राहत पहुंचाने के लिए लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक को पास कर दिया गया है, लेकिन मुसलमानों के तुष्टीकरण में लिप्त कांग्रेस इस विधेयक को किसी भी हाल में राज्यसभा में पारित नहीं होने देना चाहती है। सदन से सड़क तक नागरिकता संशोधन बिल का विरोध करने वाली कांग्रेस ने कभी भी किसी भी मुद्दे पर हिंदुओं का साथ नहीं दिया। आज हमने कांग्रेस की इसी हिंदू विरोधी मानसिकता की पड़ताल की है। आइए आपको इस मानसिकता के बारे में बताते हैं। 1948 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से 8 लाख हिंदू जान बचाकर कश्मीर आए, लेकिन कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता के कारण इन्हें अभी तक नागरिकता नहीं मिली है। 1971 में पाकिस्तान के बंटवारे के बाद बांग्लादेश बना। इस दौरान लूट, हत्या और बलात्कार से सबसे अधिक पीड़ित हिंदू हुए थे, जो किसी तरह जान बचाकर भारत भाग आए। लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार की नीच मानसिकता देखिए कि 93,000 कैद किए गए पाकिस्तानी सैनिकों के लिए विशेष सुविधाएं तो दी, लेकिन बांग्लादेश से आए शरणार्थी हिंदुओं को मरने के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया। 1972 में युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन ने 60,000 एशियाई मूल के लोगों को देश से निकाल दिया। इन निकाले गए लोगों में अधिकतर हिंदू थे, जो सिर्फ और सिर्फ भारत के सिवाय विश्व के किसी और देश में नहीं जा सकते थे। लेकिन भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन हिंदुओं को भारत लाने का कोई प्रयास नहीं किया। 1990 में हिंदुओं ने कांग्रेस का खौफनाक चेहरा देखा, जब कश्मीर में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ और 3 लाख से अधिक हिंदुओं को कश्मीर से भगा दिया गया। ऐसे समय में सत्ता में बैठी कांग्रेस चुपचाप तमाशा देखती रही। नेहरू के कदमों पर चलने वाली कांग्रेस ने हिंदुओं का कभी साथ नहीं देने की ठान ली है। वे रोहिंग्या और घुसपैठियों को शरण देने के लिए आवाज बुलंद कर सकती है, लेकिन हिंदुओं के दर्द का उन्हें एहसास भी नहीं होता है।